यूपी के सीएम ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब लोक भवन की सुरक्षा यूपीएसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स करेगी। लोक भवन के 3 गेट पर हथियारों से लैस यूपीएसएसएफ के जवान सुरक्षा देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान जैसे लोक भवन, विधान भवन, एयरपोर्ट, न्यायालय, मेट्रो और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स गठन किया है। इसकी 5 यूनिट तैयार हो गई है। लोक भवन की सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के जवानों के साथ बुधवार को गेट नंबर 3 पर यूपीएसएसएफ के जवान भी दिखाई दिए। बताया गया कि लोक भवन के गेट नंबर 3, 4 और 7, 9 की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस स्पेशल फोर्स को दी गई है। हर गेट पर इस फोर्स के 4 सिपाही और एचसीपी को तैनात किया गया है। एडीजी पीएसीएस प्रताप कुमार के निर्देशन में ही स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स काम करेगी। ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की पहली यूनिट है, बाकी भवनों में दूसरी यूनिट की तैनाती होगी। फोर्स के जवानों को AK-47 का एडवांस वर्जन यानी MP5 गन दी गई है। लोक भवन गेट पर तैनात इन जवानों के पास स्कैनर और अन्य जरूरी हथियार भी हैं, ताकि विपरीत परिस्थितियों में VIP की सुरक्षा कर सके। इन जवानों को सुरक्षा के अलावा आम लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। CISF की तरह ही VIP भवनों की सुरक्षा के लिए ही यूपी सरकार ने ही UPSSF को बनाया है। इस फोर्स को गिरफ्तारी का भी अधिकार दिया गया है। प्रदेश सरकार ने दूसरी बार सत्ता संभालने के साथ ही विशेष सुरक्षा दल के गठन का आदेश जारी किया था, इसलिए इस सिक्योरिटी फोर्स को UPSSF नाम दिया गया है। इस विशेष दल का गठन पुलिस के विशेष अधिकारियों द्वारा दिया गया है। इस फोर्स में यूपी पुलिस, आर्म्स फोर्स और PAC के जवानों को शामिल किया गया। इनको सीतापुर में 90 दिन तक कमांडो की ट्रेनिंग दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।